लेकिन ट्रेलर की अपनी लिमिटेशन होती है, 4 मिनट 5 मिनट तक ही हो सकता है। उन शॉट्स को कैसे ये हुआ कि भैया ये शॉट नहीं रखेंगे? प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को हर एक शॉट पसंद होता है बेसिकली। देखिए, इस फिल्म में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, चूँकि एक साफ सुथरी फिल्म है जी, तो इसके कोई भी शॉट्स कहीं भी रखे जा सकते थे जी। तो इसमें कुछ चुनाव की बात नहीं थी कि हमें इन चीज़ों को बचाना है या इससे हमें ज़्यादा ये डाल के वल्गरिटी वगैरह डाल के कई लोग बना लेते हैं ट्रेलर, जो ताकि लगे कि लोगों का अट्रैक्शन हो आवे, तो हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। एक पारिवारिक फिल्म होने के नाते इसमें साफ सुथरी जितने भी फिल्म के सीक्वेंस थे, सीन्स थे, उसमें कोई खास खास सब तो रखा नहीं जा सकता था। लेकिन हमारी ऑडियंस, खास करके बिहार की ऑडियंस, इतनी चालाक है कि चावल का एक दाना से वो समझ लेता है कि हांडी कैसी है, पकी है या नहीं पकी है। तो मैंने बस यही काम किया है कि उसमें से 2-4 दाने ट्रेलर में डाल दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक समझ लेगी कि ये फिल्म कैसी अच्छी है, पकी हुई है और कहीं से हाजमे को ख़राब नहीं करेगी। सर, जहाँ तक पकने की बात है तो आप तो बड़े पके हुए डायरेक्टर हैं, बहुत अनुभव है आपको फिल्म दुनिया का। आज के माहौल में जैसी फिल्में बनती हैं बेसिकली, वैसी फिल्म शायद काजल नहीं है। राइट, काजल एक फिल्म है जो सिनेमा का जो गोल्डन पीरियड था, आपको मैं समझता हूँ 70s to 1988 तक, 70s 80s के जो फिल्में होती थी तो वो दिल को छूती थी। इट वॉज नॉट ए प्लास्टिक वर्ल्ड। तो लोगों ने क्या कर दिया, आजकल टेक्निकली इतना जगलरीज डाल दिया है कि वो प्लास्टिक वर्ल्ड हो गया है। फिल्म देख के लोग निकलते हैं और भूल जाते हैं कि क्या देखा। हाँ, लेकिन 70s to 80s में जो फिल्में होती थी, लोग देखते थे, घर में जाके डिस्कस करते थे और वो अपना दिमाग लगाते थे कि अगर ऐसा होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, या ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2019 में भी काजल ऐसी फिल्म है कि जिसको देखने के बाद हमारी जनता अपने घर पे, अपने भाइयों से, अपने इवन वाइफ, पत्नी, जो भी हों उनके परिवार के, वो डिस्कस करेंगे, और इससे हमें बहुत फीडआउट भी मिलेगा कि उनको फिल्म कैसी लगी और क्या लगी। मतलब यादों में रह जाएगी ये फिल्म। मतलब बाकी फिल्में देखने के लिए आप जैसे दिमाग को घर छोड़ के जाते हैं, इस फिल्म में दिमाग को लेकर के जाएं और पूरे दिमाग के साथ फिल्म को देखें। राइट, और सोचें। आदित्य जी सर,